हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल न्यूज़ आप तक में मैं जरा आपका दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप सभी क्रिएटर्स के लिए एक खुशखबरी है YouTube की तरफ से। जी हाँ, बहुत बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं उसे, क्योंकि तो अभी तक आप लोग जो COVID-19 या कोरोना वायरस से रिलेटेड जो वीडियोस बनाते थे, तो उस पर जो है येल्लो आइकन, येल्लो यानी कि पीले कलर का जो सिम्बल डॉलर का जो आ जाता था, जिससे क्या आपका रेवेन्यू बहुत कम जनरेट होता था। तो उसी स्थिति को देखते हुए YouTube ने एक बहुत बड़ा अपडेट किया है, जिसकी जानकारी अभी सुबह ही मुझे लगी थी। वो अपडेट क्या है, अब आप जो भी कोरोना वायरस से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, तो उस पर येलो आइकन तो आएगा, लेकिन यदि आपको लगता है कि आपने उसमें सही जानकारी दी है, कोई भी फेक न्यूज़ नहीं डाली है, कोई भी ऐसे कंटेंट या मटेरियल यूज़ नहीं किया है जो कि उनकी गाइडलाइन को डिस्टर्ब करता हो, उनकी गाइडलाइन को फॉलो करता है, आपको कॉन्फिडेंस है, तो आप उस पर जो है अपील कर सकते हैं। उस पर आप अपील करेंगे तो YouTube जो है उस वीडियोस को जो है देखेगा, उसको अच्छे से समझेगा और वो फिर उसको ग्रीन डॉलर में जो है कन्वर्ट कर देगा। उससे क्या फ़ायदा क्या होगा, उससे फ़ायदा ये होगा कि आपका रेवेन्यू जो कम हो रहा है वो बढ़ जाएगा। वैसे अभी जो दौर चल रहा है उसमें बहुत कम एडवर्टाइजर्स जो हैं जो आपके वीडियोज़ पर एड दे रहे हैं, लेकिन ऐसे में एक अच्छा एक उम्मीद की किरण है आप क्रिएटर्स के लिए, खासतौर पर जो लोग ऐसे ट्रेंडिंग वीडियोस बना रहे हैं कोरोना को लेकर, तो उन पर उनके वीडियोस पर क्या है बहुत अच्छे खासे ऐड आएंगे और रेवेन्यू उनका अच्छा खासा जनरेट होगा। लेकिन लेकिन यूट्यूब ने एक गाइडलाइन भी दे रखी है, वो गाइडलाइन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ यूट्यूबर आपको गलत जानकारी दे रहे हैं, तो प्लीज़ उनके झांसे बताइए, गाइडलाइन को फॉलो तो आपको करना ही पड़ेगा कुछ भी हो जाए। गाइडलाइन क्या है वो सुन लीजिए। देखिए, कुछ ऐसे फुटेज जैसे कि अस्पताल के फुटेज हैं जिसमें कि उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, कुछ ऐसे बीमार लोग हैं, ठीक है, जो खांसते हुए दिख रहे हैं, छींकते हुए दिख रहे हैं, ऐसे फुटेज या वीडियोस अगर आप दिखाएंगे तो वो गाइडलाइन के खिलाफ होगा। आप मेडिकल से रिलेटेड कोई गलत सूचना देते हैं, जैसे कि COVID-19 से संबंधित कोई भी मामला हो, स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई मामला हो, जो आप उसके ऊपर अगर गलत जानकारी देते हैं या ट्रीटमेंट को लेकर कोई गलत जानकारी देते हैं, तो वो भी यूट्यूब की गाइडलाइन के खिलाफ होगा। यदि आप कुछ ऐसे अपने वीडियो में कुछ ऐसे दावे करते हैं जो कि वैज्ञानिकों के हिसाब से जो है गलत हैं, आप ये नहीं कह सकते कि 5G टेक्नोलॉजी से ये कोरोना वायरस फैला हुआ है या कुछ विशेष जाति वर्ग के लोगों को ही ये कोरोना वायरस लगता है, इस टाइप की बातें आप नहीं कर सकते। आप इस महामारी से किसी को धोखा नहीं दे सकते हैं, मतलब किसी को धोखे में नहीं रख सकते हैं कि ये सिर्फ बूढ़ों को ही लगेगी, बच्चों को या जवानों को नहीं लगेगी, ऐसा भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि 1-2% ऐसे भी केस आ चुके हैं। इसके अलावा कोरोना वायरस से रिलेटेड किसी भी प्रकार का प्रैंक नहीं कर सकते हैं। यदि आप किसी भी प्रकार का प्रैंक करते हैं, किसी को डराते हैं, तो वो भी यूट्यूब की गाइडलाइन के खिलाफ होगा। इसके अलावा आप ऐसे वीडियोस भी नहीं दिखा सकते हैं, ऐसे फोटो भी नहीं दिखा सकते हैं जिसमें ये दिखाया गया हो कि कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड व्यक्ति किसी दूसरे पर खांस रहा है, छींक रहा है, या भोजन सामग्री पर खांस रहा है, छींक रहा है, थूक लगा रहा है, ये चीज़ें भी आप नहीं दिखा सकते। तो अगर इन गाइडलाइंस को यदि आप फॉलो करते हुए कोई भी कंटेंट, कोई भी वीडियो बनाते हैं, तो YouTube आपके वीडियो पर ग्रीन डॉलर सिंबल लगा देगा। और अभी तक आपने जितने वीडियोस बनाए हैं और इन पर यदि येलो साइन आया हुआ है, तो आप उस पर अप्लाई भी कर सकते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत जल्द आपसे फिर रूबरू होऊंगा, तब तक दीजिए अलविदा और आप खुश रहिए, हेल्दी रहिए, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।